हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर ई लर्निंग क्लासेस श्री वर्धमान आदर्श विद्या मंदिर स्कूल बालोतरा। टुडे वी विल डिस्कस ऑन क्लास थर्ड एंड योर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड योर रनिंग चैप्टर चैप्टर नंबर 4 मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का चैप्टर अपने रनिंग चल रहा है। नाउ टुडे वी विल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक्स। इन आवर प्रीवियस क्लास, जो प्रीवियस क्लास अपन ने कंप्लीट की है, वी हैव बीन डिस्कस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन बाय 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। किसी भी नंबर को 10 से, 20 से, 30 से, 40 से, 50 से टिल टू द 90 से मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, वो अपन ने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में। एज इट इज किसी भी नंबर को 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 और 900 से भी कैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं, वो भी अपन ने डिस्कस किया था। ओके, नाउ टुडे वी विल डिस्कस ऑन टॉपिक नंबर 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन। पहले तो अपन ने प्रीवियस क्लासों में 1 डिजिट से ही मल्टीप्लाई किया था, 4-5 डिजिट थी ऊपर, बट 1 डिजिट से मल्टीप्लाई था नीचे। मल्टीप्लायर कौन था? 1 डिजिट था। अभी क्या है? 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन है। मीन्स टॉपिक नेम इज हियर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए 2 डिजिट बाय ए 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। टूडेज टॉपिक इज हियर, 2 डिजिट बाय 2 डिजिट नंबर। ओके, नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चंस एंड एग्जाम्पल वी विल डिस्कस। ओके, क्वेश्चंस भी हैं और वो एग्जाम्पल्स के एज इट इज अपन इस प्रोसेस को सीखेंगे। 2 डिजिट को 2 डिजिट से कैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं, उसका एक मेथड है। ओके, और टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस मेथड। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस मेथड। मेथड में क्या स्टेप है वो भी अपन कंप्लीटली वन बाय वन स्टेप वाइज कंप्लीट करेंगे और उसी प्रोसेस से अपन अपना मल्टीप्लीकेशन जो 2 डिजिट का 2 डिजिट से है वो भी कंप्लीट करेंगे। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन इज 1, यू कैन सी, लेट अस फाइंड 43 मल्टीप्लाई बाय 27। 43 मल्टीप्लाई बाय 27, यू कैन सी 1 डिजिट 2 डिजिट है। ओके, एंड 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। अब वो प्रीवियस क्लास में अपन ने क्या किया था, ये मल्टीप्लीकेशन था, तो यहां तो खूब सारी डिजिट थी, बट इन सबको 1 डिजिट से ही मल्टीप्लाई करना था। 1 डिजिट ओनली, 3 को 7 से किया फर्स्ट, 3 को किससे किया, 7 से, इधर लिख दिया, फिर 3 को 3 से किया सेकंड, इधर लिख दिया, फिर 3 को 4 से किया, इधर लिख दिया। तो जो 1 by 1 नंबर था 1 by 1 कंप्लीट करते जाते थे, एंड आंसर और प्रोडक्ट अपन फाइंड करते जाते थे। बट यहां अभी क्या है, 2 डिजिट का 2 डिजिट से है, तो वो प्रोसेस क्या रहेगा, वो यहां स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या अपना, फर्स्ट स्टेप क्या है अपना, राइट द नंबर एज सोन। राइट द नंबर एज सोन, राइट द नंबर एज सोन मीन्स जो नंबर है उसको एज इट इज 1 by 1 लिख दो। मीन्स ये मल्टीप्लीकेंड हो जाएगा एंड ये मल्टीप्लायर हो जाएगा। तो 43 इसको मैं अबेकस मल्टीप्लीकेशन से भी लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा थाउजेंड्स पार्ट, ये हंड्रेड्स, ये टेंस और ये वंस। ओके, अब ये 43 का वंस एंड ये लिख दूं मल्टीप्लाई बाय 27, 7 इज वंस एंड 2 इज टेंस। ओके, तो ये भी कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, जो मल्टीप्लीकेशन इस टाइप में दे रखा है लाइन वाइज, उसको नंबरिंग जो है, राइट द नंबर्स एज शोन, जैसे दे रखे हैं उसको 1 by 1 लिख दो। मीन्स 43 ऊपर है तो ऊपर लिख दिया, 43 का 3 वंस टेंस, 27 7 2। ओके, नाउ कंप्लीट सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई 7 by 43। सेकेंड स्टेप क्या है, 7 कौन है, देखो फर्स्ट डिजिट है इसका, इस 7 को पहले 43 से मल्टीप्लाई करना है 1 by 1, यानी 7 को पहले इससे मल्टीप्लाई करो 3 से, एंड देन 7 को मल्टीप्लाई करो 4 से। ओके, यही तो हुआ 7 मल्टीप्लाई बाय 43। तो मल्टीप्लाई 7 बाय 43 एंड राइट द प्रोडक्ट,
और राइट द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट को लिख दो जो भी आ रहा है. ओके, नाउ स्टार्ट विथ वन बाय वन. तो फर्स्ट प्रोडक्ट में राइट एज नंबर शोन, लिख दिया. नाउ फर्स्ट सेकंड स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई 7 बाय 43, यानी जो फर्स्ट डिजिट है उसको दोनों से करना है. ओके, 7 वन जा 7, 7 को 3 से करूंगा पहले, 7 को 3 से, 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, 7 थ्री जा 21. 21 का 1 इज हियर. अब कैरी है, देखो 21 है, यू कैन सी 21 है, तो 21 में ये तो पुट हो जाएगा और ये तो कैरी है. ओके, तो 7 21 में 1 इज हियर एंड 2 इज कैरी ऑन टेंस पोजिशन. ये तो आपको इजी पता है, 7 को 3 से किया, 21, 1 इज हियर, 2 इज कैरी. ओके, अब 7 को 3 से तो कंप्लीट हो गया, अब 7 को 4 से, 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, 7 थ्री जा 21, 7 फोर जा 28, 7 फोर जा 28. अब 28 में कैरी को ऐड करूंगा 2, 2 इज ऐड, तो 28 में 2 को ऐड किया, 29 एंड 30, तो 30 है, 30 का 0 तो यहां पुट कर दिया. ओके, पर 3 को कैरी, क्या कैरी देने के लिए कोई डिजिट है आगे, नहीं, तो 3 भी इधर ही पुट होगा. ओके, राइट द प्रोडक्ट, तो जो प्रोडक्ट था वो राइट कर दिया. ओके, नाउ थर्ड स्टेप, टेंस प्लेस. अब जो 7 तो वंस प्लेस था, अब ये टेंस प्लेस पर कौन है, 2 है, तो टेंस प्लेस 2 इज ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय 43. पहले 7 को 43 से किया, ये तो कंप्लीट हो गया, प्रोडक्ट फाइंड हो गया और लिख दिया अपन ने. अब 2 को, जो टेंस प्लेस पर 2 है, उसको भी 43 से मल्टीप्लाई करेंगे. पहले 7 को 43 से, अब 2 को 43 से, तो टेंस प्लेस 2 इज ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय 43. ओके, बट प्रोडक्ट्स वंस डिजिट इज क्रॉस साइन. अब जो प्रोडक्ट फाइंड होगा उसकी जो वंस डिजिट है उसको क्रॉस साइन कर दो. वंस डिजिट मीन्स ये वंस डिजिट लिखे जा रहे हैं, तो सेकेंड लाइन में जो भी वंस डिजिट है उसमें क्रॉस साइन कर दो. जो भी सेकेंड लाइन लिखेंगे अपन, सेकेंड लाइन उसकी जो वंस डिजिट है, वंस वाली को तो क्लोज कर दो, वो भी किस साइन से, क्रॉस वाले साइन से. इसकी वैल्यू क्या है, 0 है. ओके, तो ये तो कंप्लीट हो गया. अब क्रॉस साइन से एंड प्रोडक्ट राइट इन सेकेंड लाइन. अब जो 2 को 43 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट होगा उसको सेकेंड लाइन में 1 बाय 1 लिखते जाओ. तो 2 को 43 से करना, तो 2 को पहले 7 3 से करूंगा, 2 को पहले 3 से, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, 2 थ्री जा 6, 2 थ्री जा 6. अब यहां तो वंस डिजिट कंप्लीट होगी, टेंस डिजिट में मैं 6 लिख दूंगा. ओके, ये कंप्लीट हो गया. नाउ ये कैरी किसी की नहीं है, वो तो कंप्लीट हो गई. 2 को 4 से, 2 को 4 से, तो 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, 2 थ्री जा 6, 2 फोर जा 8, तो 8 कौन सा होगा, 100 डिजिट पर. ये हो गया कंप्लीट. तो 7 को 43 से किया, तो ये आ गया फर्स्ट वाली लाइन. अब 2 को 43 से किया, तो सेकेंड वाली लाइन, बट सेकेंड वाली लाइन में वंस को क्रॉस से कंप्लीट करना है. एंड नाउ मेक ए लाइन, तो 2 डिजिट है, 2 लाइन में कंप्लीट हो गया. नाउ लास्ट क्या है अपना, फोर्थ नंबर स्टेप, लास्ट एड 2 प्रोडक्ट. अब जो प्रोडक्ट फर्स्ट फाइंड हुआ है और सेकेंड फाइंड हुआ है, उन दोनों को ऐड कर लो. ओके, ऐड का साइन हो गया, फर्स्ट प्रोडक्ट ये रहा, सेकेंड प्रोडक्ट ये रहा. अब मैंने क्या बोला, क्रॉस की जो वैल्यू है वो 0 है. क्रॉस जो अपन ने फर्स्ट डिजिट में ऑलवेज बनाना है, हमेशा बनाना है, जब भी 2 डिजिट का मल्टीप्लाई हो, तो वंस को तो क्रॉस से कंप्लीट कर देना है. ओके, तो 1 0, 1 को 0 में ऐड किया, क्या फाइंड हुआ, 1. 1 को 0 में ऐड किया, ओके, 0 को 6 में ऐड किया, 0 ऐड बाय 6, ओके, 8 को 3 में या 3 को 8 में ऐड किया, 8 9 10 11, 11 मींस 11 इज हियर. यानी अपना जो प्रोडक्ट फाइंड हुआ वो क्या है, ये रहा फाइनल प्रोडक्ट. क्या फाइंड हुआ, दिस 1161. तो कैसे, स्टेप बाय स्टेप, पहले नंबर था उसको 1 बाय 1 लिख दिया. ओके, अब जो नीचे वाली डिजिट है मल्टीप्लायर, उसमें फर्स्ट डिजिट को दोनों से किया, 7 को 43 से, और प्रोडक्ट फाइंड कर दिया. अब सेकेंड डिजिट पर पहुंचने पर अपन को यह ध्यान रखना है कि वंस को तो क्रॉस में
फील करना है, क्रॉस कर देना वंस डिजिट के लिए। एंड टू को 43 से मल्टीप्लाई कर, रिजल्ट एंड फाइंड किया। फिर जो दो प्रोडक्ट फाइंड हुआ फर्स्ट एंड सेकेंड, उनको ऐड करना है। ऐड करने पर अपन को फाइंड होगा। तो अपना फर्स्ट स्टेप क्या था, राइट द नंबर एज सोन, ओके, मल्टीप्लाई 7 बाय 43 एंड राइट द प्रोडक्ट। 7 को 43 से मल्टीप्लाई करो और प्रोडक्ट को लिख दो, ओके। अब टेंस प्लेस का जो नंबर है उसको भी मल्टीप्लाई बाय 43, बट प्रोडक्ट्स वन डिजिट इज क्रॉस साइन, प्रोडक्ट की जो वन डिजिट है वो क्रॉस साइन कर दो एंड प्रोडक्ट राइट इन सेकेंड लाइन, और प्रोडक्ट सेकेंड लाइन में लिख दो। एंड लास्ट एड टू प्रोडक्ट्स, दोनों प्रोडक्ट्स को एड कर दो, ओके। तो ये जो स्टेप है, फोर स्टेप, वन स्टेप, टू, थ्री, फोर स्टेप, उसके अकॉर्डिंग अपन ने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। एज इट इज सेकेंड नंबर क्वेश्चन वी विल डिस्कस ऑन दिस साइड। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन में भी यही एड, यही प्रोसेस, यही स्टेप फॉलो होंगे। हाउ टू फॉलो इट, लाइक सेकेंड डिजिट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 87 मल्टीप्लाई बाय 32, ओके। तो अभी फाइंड क्या करना, 87 मल्टीप्लाई बाय 32, सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज 87। तो अब फर्स्ट स्टेप क्या है, राइट द नंबर एज सोन। तो पहले पोजीशन बना देता हूं मैं, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। तो वंस में पहले ऊपर वाली डिजिट, वंस में 7, 7, सेकेंड टेंस में कौन है 8, ओके। इस 32 में वंस कौन है 2 एंड 3, मल्टीप्लाई लाइक दिस। तो ये स्टेप तो हो गया एज इट इज, पहले थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस, पोजिशन जो अबेकस स्केल है वो लिख दी, फर्स्ट डिजिट फर्स्ट लिख दी, सेकेंड डिजिट सेकेंड लिख दी। नाउ अब क्या है, देखो यहां क्या चेंजेज हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 87, फर्स्ट जो सेकेंड लाइन में क्या था, मल्टीप्लाई 7 बाय 43 था, ये तो इसके लिए था। अभी क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 87, तो यहां मैं चेंजेस कर सकता हूं क्या, चेंजेस कर दूं दोनों डिजिट में। अब देखो फर्स्ट डिजिट कौन सी थी, 2 मल्टीप्लाई बाय 87, 2 मल्टीप्लाई बाय 87, ओके, एंड राइट द प्रोडक्ट। तो ये पहले कंप्लीट कर देते हैं, फिर सेकेंड स्टेप थर्ड स्टेप को भी चेंजेस करेंगे। तो 2 को 87 से मल्टीप्लाई करो, तो पहले 2 7 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, ओके, 14, 4 इज हेयर, अब 14 है तो 4 को तो पुट करेंगे और 1 कैरी हो जाएगा। अब 14 में तो आपको दिखता है 14 डिजिट में 2 डिजिट है, तो 1 तो यहां और 1, 4 पुट 1 कैरी, ओके, ये कंप्लीट हो गया। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 8 जा 16 होता है, 2 8 जा 16, 16 में 1 को ऐड किया, 16 ऐड बाय 1 17, तो 17, 7 इज हेयर, 1 कोई कैरी देने के लिए नहीं, तो 17 भी पूरा कंप्लीट यही होगा, बिकॉज कैरी के लिए कोई डिजिट नहीं आ गए, ओके, तो 17 पूरा यहां कंप्लीट कर दिया। नाउ सेकेंड स्टेप में थर्ड वाली लाइन, टेंस प्लेस पर कौन है, अभी टेंस प्लेस पर कौन है 3, तो टेंस प्लेस को भी चेंजेस करो, टेंस प्लेस 3 इज ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय, ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय 87, ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय 87, हो गया। एंड प्रोडक्ट वंस डिजिट इज क्रॉस, तो प्रोडक्ट की जो वंस डिजिट है उसमें क्रॉस लिख दो और लाइन ड्रॉ कर दो, यहां डिजिट सेकंड लाइन में आ जाएगी, फर्स्ट डिजिट में क्रॉस शो कर दिया। अब 3 को 1 बाय 187 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 को पहले 7 से मल्टीप्लाई करो और ये कैरी पहली वाली हटा दो, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, अब 21 है तो 1 इज हेयर एंड 2 इज कैरी ऑन द टेंस पोजिशन, यहां किया था टेंस पोजिशन पर 2 कैरी हो गया, ओके। अब ये वाला कंप्लीट हो गया, 3 को 8 से करो, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, अब 24 में 2 को ऐड करो, 26,
तो 6 इज हेयर और 2 क्या कैरी के लिए कोई आगे है डिजिट नहीं, तो 2 भी यहीं पुट होगा। ओके 3 को 7 से किया 21, 1 इज हेयर 2 इज कैरी बिकॉज नंबर डिजिट है। 3 8 जा 24, 24 में 2 ऐड किया 26, 26 इज ऑल्सो राइट देयर। अब यहां डिजिट कुछ नहीं है तो 0 पुट कर दिया मैंने, ये 0 वैल्यू है ही। अब मैंने क्या बोला, टू प्रोडक्ट्स फाइंड होने पर ऐड कर लो दोनों प्रोडक्ट्स को, ये लो एडिशन का साइन। ओके तो 0 तो ये है ही, 0 में 4 को ऐड करूंगा, 4 ऐड बाय 0 क्या आएगा 4, एडिशन ही तो करनी है अभी। 7 को 1 में ऐड करो, 7 ऐड बाय 1 8, 6 को 1 में या 1 को 6 में करो 7, 2 को 0 में करो 0, दिस इज योर प्रोडक्ट आंसर प्रोडक्ट। ओके फाइनल प्रोडक्ट, तो लास्ट ऐड टू प्रोडक्ट था, दोनों प्रोडक्ट को ऐड कर लिया और फाइनल प्रोडक्ट अपने फाइंड हो गया। तो वापस से समझ लो, 87 को आगे लिखा, 32 को नीचे, 2 को फर्स्ट 87 से मल्टीप्लाई किया, 2 7 जा 14, 4 इज हेयर 1 इज कैरी, 2 8 जा 16, 1 ऐड 17, फिर क्रॉस साइन वन डिजिट पर ऑलवेज वी विल पुट, क्रॉस साइन वंस डिजिट पर हमेशा क्रॉस साइन लगाना है, ये मल्टीप्लीकेशन में याद रखना है। ओके क्रॉस साइन फर्स्ट डिजिट पर लगा दो, एंड देन 3 को 7 से 21, 1 इज हेयर 2 इज कैरी, 3 को 8 से 24, 26, 26 इज हेयर। अब फर्स्ट प्रोडक्ट ये वाला, सेकेंड प्रोडक्ट ये वाला, ऐड कर दो दोनों को एंड फाइनल रिजल्ट अपने फाइंड हो जाएगा। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप एंड सेकेंड एग्जाम्पल यू कैन सी ऑन द बोर्ड इजीली, इसके अकॉर्डिंग अपन सारे क्वेश्चन करेंगे। ओके तो यू लर्न दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस को आपको लर्न करना है एंड प्रैक्टिस ऑन दिस क्वेश्चन एंड सेकेंड नंबर क्वेश्चन एंड अदर क्वेश्चन। ओके यू कैन इजीली सी दिस बोर्ड एंड थैंक यू।